चलिए आज हम लोग हिंदी सीखेंगे। हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला से संबंधित आपको हम आज पढ़ाएंगे। वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला का निर्माण कैसे हुआ, सारी बातें हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलते हैं, जानिए पहले क्या है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, पहली बात यह आ जाती है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णमाला माला तो पता होगा ना, माला जानते हो ना, मोतियों की माला होती, पैसों की माला होती है ना, और फूलों की माला होती है। सिर्फ वर्ण की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वर्ण भी आप समझ लीजिए क्या होते हैं। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि वर्ण जो है वही ध्वनि है और वही वर्ण है। जैसे हम यहाँ आ लिख दिए तो ये वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और यही आ जब हमारे मुख में होता है, उच्चारण कर रहे होते हैं, तो ये ध्वनि कहलाता है। समझे, लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं और मौखिक रूप को हम ध्वनि कहते हैं। यानी कि हम जैसे आ का उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या है, ये ध्वनि है। और जब वही आ को हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए, पहले हमारा जो मनुष्य था वो जंगलों में निवास करता था, और निवास करता था तो वहाँ जंगल में जानवर भी होते, और जानवर जो होते, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आवाज़ देता तो क्या, जानवर उसको खा जाते। तो मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान प्राणी, उसने एक दिमाग लगाया कि अब हम मुंह से आवाजें नहीं निकालेंगे, अब क्या करेंगे, अपनी बातों को इशारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, इशारे में बात करेंगे या संकेतक चिन्हों के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम कोई व्यक्ति वहां दूर दूर खड़ा हुआ है, हमको पुकारना है, ठीक है, तो हम अब बोलेंगे नहीं, हम उसको एक चिट्ठी लिखेंगे या एक पत्र पर लिखेंगे कि यहाँ आ जाओ। कोई भी हमारी सूचना जो हमको बोलना है तो उसको दे देंगे, तो हमारा जो हम जो बोलना चाह रहे हैं बिना बोले वो समझ जाएगा भाव कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वैसे जब उसने बोलना स्टार्ट किया तो संकेतक चिन्ह का निर्माण किया। जैसे ये संकेतक चिन्ह बना दिए, ये ई उ ए, ये सब क्या है, संकेतक चिन्ह है। ठीक है, जैसे हम बोला अ ई तो ये बन गया, ये बन गया, ई ये बन गया, उ ये बन गया, ठीक है, ए ये बन गया। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे संकेतक चिन्ह है। और हमने आपको बता दिया कि स्वर किसे जो है, जो वर्ण है, वर्ण लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। और दूसरी बात बताइए आपको कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये हमने लिखा क ख ग घ अंग, क ग ग अंग और ख। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये हमने लिखा ऊपर वाली लाइन क ख ग घ अंग, दूसरा लिखा है क ग घ अंग और ख। तो देखिए, तो ये जो पहली वाली लाइन है, आप बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये क्रम में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक के बाद एक क्रम है, व्यवस्थित तरीका है लिखने का। और जबकि ये वाला क ग घ अंग ख, ये कोई तरीका नहीं है लिखने का, ये गलत तरीका है। तो हम इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इसको वर्णमाला कहेंगे। वैसे ही यानी का के बाद खाएगा, खा के बाद गाएगा, फिर घाएगा, अंग आएगा, चाएगा, छाएगा, जाएगा, ऐसे करते सभी वर्ण आएंगे। एक उनका अपना एक क्रम होगा, क्या होगा, एक अपना क्रम होगा, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, व्यवस्थित जो वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है वही हमारे वर्णमाला कहलाएंगे। ठीक है, अब जो हिंदी वर्णमाला है उसको मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में, दो भागों में। एक का नाम है स्वर, एक का नाम है व्यंजन। क्या नाम है, स्वर, और एक का नाम है व्यंजन। अब हम बात कर लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को बोलने में, या बोल उच्चारण का मतलब क्या है, बोलने में,
जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं। देखिए देखिए, जो हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं ये हिंदी हमारी साइंटिफिक हिंदी है। क्या है? साइंटिफिक हिंदी है। इसमें जितने भी परिभाषाएं होंगी, साइंस में सब परिभाषाएं प्रूफ होती हैं, वैसे हिंदी में जितनी भी आपको मैं परिभाषा बताऊंगा ये सारी परिभाषाएं प्रूफ होंगी। ठीक है, तो देखिए हमने बताया आपको स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। देखिए जैसे हमने लिख दिया अ, ये ई, ई, अब इसका आप उच्चारण करिए, जैसे बोलिए ओ आ ई ई। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब देखिए हम लिख दे रहे हैं क ख, आपको पता है ये व्यंजन है ना। अगर हम बोले क तो लास्ट में देखो आ का साउंड आ रहा, क कितने भी स्लो से बोलोगे क लास्ट में क्या आ रहा, आ रहा है। ठीक है, और इसमें आ, कोई लास्ट में वर्ण आ रहा क्या? नहीं। और इसमें क्या आ आ रहा है क्या? हाँ आ रहा। और आ क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। यानी कि इसकी परिभाषा स्वर की ये हुई। अब इसको हम बोल रहे हैं तो कोई वर्ण लास्ट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वरों की, उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब स्वर पूछ, कभी कभी पूछ लेता है कि स्वर कितने होते हैं। कभी कभी क्या पूछ लेते हैं कि स्वर कितने होते हैं, तो ये समझिए हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, हम लोगों के मास्टर साहब बताए हैं कि 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। उनकी भी अपनी मजबूरी थी, उन्होंने नहीं बता पाया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर कौन कौन से होते हैं, एक एक स्वर के बारे में हम आपको बात करेंगे, है ना। तो स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, बात समझ में आई। 11 कौन कौन से होते हैं अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जैसे हमने वर्णमाला को दो भागों में विभक्त किया है, बांटा है स्वर और व्यंजन में, वैसे ही स्वरों को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक का नाम है हरस्व, एक का नाम है दीर्घ। हरस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, जैसे हमने वर्णमाला को दो भागों में विभक्त किया है, स्वर और व्यंजन, वैसे ही स्वर को भी दो भागों में विभक्त किया जाता है, हरस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हरस्व स्वर क्या होते हैं पहले ये समझ लो, परिभाषा हम बता देते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं, सारी बातें बताएंगे। तो हरस्व क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है। क्या? जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम हरस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हरस्व स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने में हरस्व की तुलना में दो गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हरस्व का मतलब भी होता है छोटा। क्या होता है? हरस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। और दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, अब देखो अब कौन कौन से वर्ण होते हैं ये समझ लो। हरस्व में ये होता है आ, ई, उ और री। देखिए आ, ई, उ, री, ये चार ऐसे वर्ण हैं जो हरस्व की तुलना में आते हैं, है ना, हरस्व की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ए, ओ और औ। ठीक है, ये आते हैं हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अच्छा, जो हरस्व है ना इसके दो और अन्य नाम हैं। क्या है? दो और अन्य नाम है। दो और अन्य नाम क्या है? एक इसका नाम है मूल स्वर। एक क्या नाम है? मूल स्वर। एक है इसका नाम लघु स्वर। क्या नाम है? लघु स्वर। एक नाम है मूल स्वर, एक नाम है लघु स्वर। अच्छा, इसको आप कैसे याद, कभी कभी पूछ लेता है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना रहेगा आ, ई, उ, री। आ, ई, उ, री मूल स्वर। अगर लघु पूछ लेगा फिर भी आपको यही बताना रहेगा, और हरस्व पूछ लेगा तब भी आपको यही बताना रहेगा। अगर हम बात करें दीर्घ की ना, तो दीर्घ के भी तीन नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं? तीन नाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं इधर लिख लेते हैं।
गुरु स्वर और संधि स्वर। गुरु स्वर और संधि स्वर दीर्घ स्वर के दो और अन्य नाम। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है एक कौन, जो मम्मी पापा पुकारते हैं, ठीक है। जैसे किसी बच्चे का नाम है अर्पित, है ना, किसी बच्चे का नाम क्या है अर्पित, जिनको आपके मम्मी पापा पुकारते हैं, स्कूल में वो नाम लिखा है, है ना, विद्यालय में आपके वो नाम लिखा गया है। लेकिन एक नाम और होता है जो मम्मी पापा बहुत प्यार से बोलते हैं, है ना, किसी का नाम होता है चिंटू, किसी का नाम बहुत सारे प्यार से लोग बोलते हैं। एक नाम और होता है राशि का नाम, क्या होता है, लेकिन अर्पित तो वही लड़का है ना। राशि का नाम चाहे बात करें और चाहे जो स्कूल में लिखा है उसकी बात करें और जो प्यार से लोग बुलाते हैं उसकी बात करें, ठीक है, लेकिन व्यक्ति तो वही है ना। वैसे ही दीर्घ सर जो है ये है, तीन नाम भले हैं लेकिन उसके जो व्यक्ति है वो एक ही है, है ना। वैसे इसका भी तीन नाम है लेकिन ह्रस्व और दीर्घ सब तीनों एक ही हैं, ठीक है। हम ये बात आपको बताना चाह रहे हैं। चार ये हो गए आपके, और चार ये देखिए, और ये कितने हैं, सात, सात है, और सात और चार कितना हो जाएगा, ग्यारह। आपको नजर आ रहा होगा कि एक दो वर्ण बचे हैं, अंक और अहा। ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनको स्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जब ये स्वर के साथ रखे जाते हैं तो इनमें व्यंजन का गुण आ जाता है, और जब ये व्यंजन के साथ रखे जाते हैं तो इनमें स्वर का गुण आ जाता है। तो इनको यानी कि कह सकते हो ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में, इनको एक अलग स्थान दे दिया गया जिसका नाम है आयोग वाह। क्या कह दिया गया है, आयोग वाह, इनको अलग वाह नाम दे दिया गया। इनका नाम क्या रख दिया गया, दोनों का आयोग वाह। इनको इसको कहते हैं विसर्ग, एक वर्ण को कहते हैं जो जिसमें दो बिंदी है उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, और जिसमें एक ऊपर बिंदी है इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। एक बिंदी वाला जो ऊपर होता है, जैसे आपको लिखना है अंक, क्या लिखना है, अंक, तो जो ये अंक वाला आ है इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार। और जो अहा लिखना, जैसे तुमको लिखना है अतः, है ना, अतः जो ये वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब हम कर लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। क्या कर लेते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वर जो होते हैं इनको किस रूप में हम और जानते हैं, व्यंजन के लिए हम आपको अलग से बताएंगे अभी, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण क्या है, जैसे हमने आपको बताए स्वर बताए, उसमें अल्प बताया आपको जो है दो भागों में विभक्त है, एक को क्या कहते हैं अल्प, क्या बोलते हैं, मूल स्वर, एक को बोलते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनको किस आधार पर और जानते हैं, इनके प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहला प्रकार आ जाता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, जो हमने आपको बताया, ह्रस्व और दीर्घ। कितने प्रकार होते हैं, दो, एक ह्रस्व एक दीर्घ, ठीक है। दूसरा प्रकार आ जाता है उच्चारण काल के आधार पर। काहे के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, क्या होता है, बोलना, यानी कि बोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बोलने के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, एक का नाम है ह्रस्व, एक का नाम है दीर्घ, और तीसरे का नाम है प्लुप्त स्वर। क्या है नाम, प्लुप्त स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व मैंने आपको बताया, जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिनको बोलने में ह्रस्व की तुलना में दोगुना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं, और जिनको बोलने में ह्रस्व की
तुलना में 3 गुना समय लगता है। कितने गुना? 3 गुना समय लगता है। उनको प्लुप्त स्वर हम बोलते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। आगे अब हम बात कर लेते हैं प्लुप्त स्वर के बारे में। ठीक है, प्लुप्त स्वर क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है, क्या खड़ा हुआ है? बहुत दूर खड़ा हुआ है, तो हम जब आवाज देंगे, है ना, तो बहुत तेज साउंड आए, जैसे कहेंगे रमेश, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, रमेश जब बोल रहे हैं ना, तो साउंड कितना? बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो दीर्घ समय लग रहा है, दीर्घ से भी ज्यादा लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? वो प्लुप्त स्वर है। जैसे कह रहे हैं ओम, जो ये समय है, देखो 3 गुना समय लग रहा है हरस की तुलना में। जैसे हम बोले अ, ये क्या है? आ क्या? छोटा आ, ये क्या है? ये हर्ष्व है। हम बोले आ, ये दीर्घ है। हम बोले ओम, तो ये क्या है? प्लुप्त स्वर है। जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो उसको पुकारेंगे, फिर भी प्लुप्त स्वर का ही प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? ये हो गया आपको उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार, उच्चारण काल के आधार पर। अगला है जीभ, जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जो हमारा मुख है, इसमें जो जीभ है हमारी, जीभ को, जीभ के जो प्रयोग के आधार पर स्वर को बांटा गया है, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3। एक का नाम है अग्रस्वर, दूसरे का नाम है मध्यस्वर, और तीसरे का नाम है पश्चस्वर। क्या नाम है? देखो, हमने जैसे जीभ का ये आकृति बना दी, क्या है कि जीभ की, ठीक है, ये जीभ की, जैसे आप जो जीभ, अब इसको समझ लीजिए, अग्रस्वर क्या है, मध्यस्वर क्या है, पश्चस्वर क्या है। जिन स्वरों के उस चरण में जीभ का अगला भाग प्रयोग में आता है, जिन स्वरों के उस चरण में जीभ का अगला भाग प्रयोग में आता है, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उस चरण में जीभ का बीच वाला भाग प्रयोग में आता है, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और पश्चस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उस चरण में जीभ का सबसे पिछला वाला भाग प्रयोग में आता है, उसे हम पश्चस्वर कहते हैं। यानी कि अग्र को, जैसे जीभ को हम बना दें ऐसे, तो आगे, और मध्य वाले में जीभ को बना दें ऐसे, तो बीच में, और पश्चिम में बना दें ऐसे, तो ये ऐसे। यानी कि यहाँ अग्र के प्रयोग से जीभ के अगले वाले भाग से तो अग्र, और बीच वाले भाग से यानी कि मध्य वाले भाग से तो मध्य स्वर, और ये पीछे वाले भाग से लास्ट वाले में तो पश्चस्वर कहलाता है। ठीक है, अब अग्र कौन कौन से वर्ण होते, कभी कभी ये भी पूछ लेगा। जैसे आपको बोलना है ई, ई छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई जो है जब आगे से ही बोली जाती है। अगर आपको नहीं, आपको यकीन हो रहा, तो आप अपनी जो जुबान है उसको पकड़िए, और ई का साउंड आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, ई ई नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जीभ के अगले भाग से ई ई का साउंड आता है। यानी कि प्रयोग करते हैं जीभ के अगले वाले भाग से ई बोलने के लिए, जीभ का अगला भाग हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ए आए, ठीक है, ए आए का भी हम प्रयोग करते हैं जीभ के अगले वाले भाग से। अब ये जो मध्य वाला भाग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ छोटा आ का प्रयोग होता है, छोटा आ का। और जो पश्च वाला है, इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, ओ सॉरी ऊ, ऊ ऊ और ओ आओ। ठीक है, ये इसमें क्या है, इसमें जो है ये वर्ण आएंगे पश्चस्वर में। ठीक है, अब ये हो गया आपके जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी कभी कभी पूछ लेता है कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, पश्च और मध्य। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले प्रकार की, यानी कि अगला प्रकार जो है वो होंठों की स्थिति के आधार पर है। किस आधार पर है? होंठों की स्थिति के आधार पर।
होंठों की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है वृत्तमुखी, एक का नाम है अवृत्तमुखी। ठीक है, एक का नाम क्या है वृत्तमुखी और एक का नाम क्या है अवृत्तमुखी। ठीक है, एक का नाम वृत्तमुखी, एक का नाम है अवृत्तमुखी। अब जिस जिन स्वरों के उच्चारण में होंठों का आकार वृत्तनुमा बन जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठों का आकार वृत्तनुमा बन जाता है उन्हें हम वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में होंठों का आकार वृत्तनुमा नहीं बनता उसे हम अवृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। देखो यहाँ आ लगा है, क्या लगा है आ, आ एक उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग है, और आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब क्या होता है नहीं, जिस भी शब्द के आगे छोटा आ लग जाता है उसका अर्थ क्या हो जाता है नहीं। ठीक है, तो आ एक उपसर्ग है। अब इसमें कह रहा है व्रत, इस जिनको बोलने में व्रत होंठों का आकार व्रतनुमा बनेगा वो व्रतमुखी, और जिनको बोलने में होंठों का आकार व्रतनुमा नहीं बनेगा यानी आ व्रतमुखी, यानी कि आ लगा है ना तो उनका आकार होंठों का आकार गोलानुमा नहीं बनेगा, उनको क्या बोलेंगे अवृत्तमुखी बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं एक और, इसमें एक प्रकार और बोलता है, जैसे पूछ लेता है कभी कभी मात्रा के आधार पर। इतनी बात समझ में आई हो तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और अब कभी कभी ये पूछ लेता है ना कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए मात्रा के आधार पर स्वर, ठीक है, मात्रा जैसे आपको आपको पता है ठीक है, ये हमारे इनको हम बोलते हैं इनको बोलते हैं क्या, ये स्वर का वास्तविक रूप है, क्या है स्वरों का वास्तविक रूप है, और इनकी मात्रिक रूप की हम बात करें तो जो ये वाला वर्ण है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, जो ये वाला वर्ण है यानी कि छोटा आ है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, और जो ये वाला आ है इसकी ऐसे मात्रा होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, ये ऐसे मात्रा होती है, और ई की आपको ये देख रहे हो आप छोटी ई है तो छोटी ई देखिए किधर से लगती है आगे से लगती है। ठीक है, और बड़ी ई कहां से लगती है पीछे से लगती है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं छोटा उ तो छोटा उ ऐसे लगता है, बड़ा उ ऐसे लगता है। ठीक है, और री की मात्रा ऐसे लगती है, ये एक है ए है तो ए की मात्रा ऐसे लगती है, ये अ है तो ये ऐसे हो जाता है, ओ है तो ये ऐसे, और औ ऐसे। ठीक है, तो देखिए संख्या देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, तो मात्रा के आधार पर इस आधार पर पूछ लेता है कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, कितनी हुई दस, कितने हुए हैं दस। बात समझ में आई, ये आपकी जो है स्वर से संबंधित बातें थी। अब अगला जो क्लास होगी हमारी अगली क्लास जो होगी वो व्यंजन संबंधी होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।